जय हिंद दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। और क्या बता रहे थे, बस जस्ट अ मिनट, एक बार देख लेते हम क्या बताए थे लास्ट में। पहला और दूसरा हम बता दिए थे, तीसरा बताना है। देखो, जैसे हम दूसरा बताए थे वैसे ही तीसरा है, ऐसा नहीं कि अलग है। फिर भी हर बार की तरह आज भी कम से कम 10 सेकंड के लिए एक बात बोलेंगे कि जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसके बाद सॉल्यूशन आप 2x पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज इसमें दिए हुए है 13.5, जो कि गलती से है, होना चाहिए 12.5। और क्वेश्चन नंबर 3, किसी पाठ्यक्रम में, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं, पता नहीं इतना आगे दिखाई देगा कि नहीं, परीक्षाओं ऐसे बोल दिए हैं, आप सुन के समझ सकते हैं कि परीक्षाओं दिखाई तो दे रहा है, सभी 5 परीक्षाओं ने, बाकी ब्रैकेट में करके लिखे, हमने लिख रहा है, में 90 अंक या अधिक, 90 अंक या 90 से अधिक का अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि 90 प्रथम चार परीक्षाओं में, प्रथम चार परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 है, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे पांचवी परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। देखो बाबू, अगर मेरे यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में किसी को अगर पेशेंस नहीं हो तो कृपया करके पेशेंस लाइए अपने अंदर, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो सही बता रहे हैं, सॉल्यूशन आप रट भी लोगे तो क्या फ़ायदा, जैसे क्वेश्चन समझना क्या था। देखो, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी परीक्षाओं में 90 अंक, मतलब औसतन 90 अंक उसको चाहिए बस, ठीक है। 100 तो हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, 90 अंक लाना था या 90 से ज़्यादा। चार परीक्षा के बात करें तो पहले 87, फिर 92, फिर 94, फिर 95, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे पांचवी परीक्षा में प्राप्त
करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। मतलब बताते हैं इसका ये कहना है कि औसत जो भी हो औसत वो 90 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो, ये कह रहा है कि औसतन 90 हो या 90 से बड़ा हो। अगर हम लिखेंगे औसत कि औसत कैसे निकाले तो बोलेंगे 87 फिर प्लस 92 और प्लस 94 और प्लस 95, ये तो चारे परीक्षा हो गया, 1 2 3 4 पांचवा मान लो एक। देखो ध्यान रहे कि औसत 90 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो, तो पांचों के जोड़ के और पांच से भागा देंगे यही औसत है, और ये होना चाहिए 90 से बड़ा या 90 के बराबर। फिलहाल 7 2 9 9 4 13 13 5 18 के 8 8 में 1 एक कहीं भी जोड़ दो तो ये हो गया 9 9 9 18 27 9 6 36 मतलब 36 368 प्लस में एक ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से 5 यहाँ से हटाओ 5 उधर गुना कर दो तो 9 5 कितना हो गया 45। अब ध्यान देना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 में से घटा दो। अरे यार वेट एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट का टाइम दीजिएगा। तो थोड़ा सा इन्वर्टर का प्रॉब्लम था, इन्वर्टर नहीं होता ज़्यादा, कभी कभी पंखे का लोड हो जाता है तो इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। देखिए 450 में 368 घटा देना है। अब सोचो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 में घटा 10 में से 8 गया 2, यहाँ अगर बात करें तो कह सकते हैं कि 4 4 में से 6 घटेगा नहीं तो 14 में से 6 गया तो 8, और तो 3 में से 3 गया खत्म। यानी x जो है कम से कम 82 होना चाहिए। मतलब अगर न्यूनतम अंक पूछे कि वह न्यूनतम अंक बताइए तो न्यूनतम अंक कितना होगा, अगर न्यूनतम अंक चाहिए तब तो कम से कम, अगर देखो 82 से ज़्यादा होगा तो ठीक है लेकिन कम से कम तो 82 चाहिए ही चाहिए, तो वह न्यूनतम अंक बताइए। जैसे बाय द वे अगर यहाँ 82 रख दें तो पूरा के पूरा औसत 90 आ जाएगा। अगर 82 से बड़ा रख दिए, 82 से अधिक कोई मान रख देंगे तो 100% कि 90 से ज़्यादा होगा। तो औसत अगर 90 चाहिए तो कम से कम आपको 82 नंबर लाना होगा पांचवे परीक्षा में। और क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को समझो जब भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से 45% अम्ल, 45% अम्ल के 1125 लीटर 1125 लीटर विलयन के मतलब सॉल्यूशन, यानी उसमें अम्ल के साथ साथ पानी भी होगा, विलयन में कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक हो, 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। फिर से क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन में साफ साफ है कि शुरुआत में अगर हम बात करें
तो अभी फिलहाल 1125 लीटर विलयन है और जिसमें अम्ल 45% है। अब अगर इसमें हम पानी मिलाते हैं तो पानी की मात्रा तो ऐड करना होगा, और कितना पानी मिलाएं कि इसका सांद्रण 25% से ज़्यादा हो, लेकिन ध्यान रहे 30% से कम हो। मतलब ध्यान से समझो, 1125 लीटर है, ठीक है, इसमें अगर बात करें कि अम्ल कितना है तो 1125 का 45 लीटर, सॉरी माफ़ करना, 45% ये निकाल लीजिए, ये हो गया आपके पास अम्ल। पूरा विलयन जो भी हो हम नहीं जानते हैं, पूरा विलयन यहाँ पे 1125 लीटर है, लेकिन 1125 लीटर में 45% फिलहाल अभी अम्ल है, और 1125 लीटर में आप चाहते हैं कि हम कुछ पानी ऐड कर दें। सपोज दैट पानी ऐड कर दें 1 लीटर, मान लेते हैं कि 1 लीटर जो आप देख रहे हैं कि एक से जोड़े हैं ये पानी है। इधर भी वही बात होगा कि 1125 लीटर है और इसमें हम पानी ऐड कर दिए 1 लीटर, ये जो एक से जोड़े हैं या एक से जो हम डाले हैं ये पानी है। मतलब अब आपके पहले 1125 लीटर विलयन था, पहले 1125 लीटर सिर्फ विलयन था 1125 लीटर, और अब आपके पास विलयन हो गया है 1125 प्लस में एक, या फिर इधर भी बात करें तो विलयन हो गया है 1125 प्लस में एक। लेकिन ध्यान रहे कि अब जो विलयन है उसका 25% आप निकालेंगे, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके 30% से, परसेंट मतलब बटा 100, कम होना चाहिए, ये ध्यान रहे। देखते हैं हल करके, यही तो कह रहा है कि कितना पानी मिला है। तो पहले हम इन दोनों को हल करते हैं, मतलब पहले हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। मतलब मान लो कि केस फर्स्ट है और केस सेकेंड है और केस थर्ड है, मान लेते हैं, तो हम पहले केस फर्स्ट और केस सेकेंड को हल करते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। जब ये दोनों हल करेंगे तो ध्यान से देखना है, 1125 प्लस एक्स इसका हो गया 25%, यानी 25/100, इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए इसका वैल्यू, 1125 का 45%, ये जो भी है इसका वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए फिलहाल, बटा 100, 5×25=9×45, फिर 5 से भी चाहें तो हम काट सकते हैं, 5 से अगर काटें तो 5×2=10, यहाँ से 1 कर दूँ, फिर 5×2=10, फिर यहाँ से बच गया 2 और 5×5=25, तो हम कह सकते हैं कि 1125 प्लस x लेस देन इक्वल टू, इधर गुना करके देख लीजिए, 9×5=45 के 5, हाथ में 4, 9×2=18, 18 और 4 22 के 2, हाथ में 2, अपना दो ही ना होगा, 9×2=18, 2×20, यानी x का वैल्यू कितना होगा, तो 1125 घटाओ 20×25 में 1125 घटा दीजिए, घटा कर बताइए कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और ऐसे भी 20 में से 11 गया तो 9, यानी x का मान 900 से कम। मतलब इसके हिसाब से साफ साफ झलक रहा है कि जो हम पानी मिलाएंगे इन दोनों को जब हल किए तो पानी जो मिलाएंगे वो 900 लीटर से कम। दिमाग में ये बात फिट रखना है कि अभी जो हम पानी मिलाएंगे वो 900 लीटर से कम होना चाहिए, अभी आधा अधूरा कंडीशन आप देखें। मतलब ये तो सिर्फ ये सोचें कि जो अम्ल है वो पानी मिलाने के बाद जो भी होगा उसके 25% से ज़्यादा, सिर्फ इतना सोच रहे हैं तब, मतलब हम ही कंसिडर कर रहे हैं कि 25% से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, तब की बात कर रहे हैं कि आपको 900 लीटर से तो कम ही मिलाना होगा। अभी दूसरा केस अगर कहें तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड केस एंड थर्ड केस, इन दोनों को साथ में लेके चलो, जैसे इसको तो रखना ही है 1125, इसका 45% यानी 45/100 जो भी आया इससे बड़ा होना चाहिए इसका वैल्यू, 1125 प्लस एक्स का 30%, देखो बटा 100 कैंसिल, उसके बाद अगर काटते भी है तो 9×5=45, आई वाला काटेंगे तो 6×5=30, फिर और कटेगा 3×3=9 और 2×3=6,
अब शायद नहीं कट रहा है, तो अगर नहीं कट रहा है तो चलो अब नहीं कट, गड़बड़ नहीं किए हैं। 45 6 25 3 मतलब 15 दूनी 23, 45 15 दिया 45, ठीक है 100 से 100 करते हैं, चलो यही कट गया रहा है तो फिलहाल 3 से गुना करते हैं, तो 5 3 15 के 5, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 और फिर 3 एकम फिर से 3, मतलब 33 75। इधर देखते हैं 2 से गुना करो, 2 से जैसे ही गुना करेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 22 50 और प्लस में 2x। एक काम करो 22 50 इधर भेजो, तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट घटेगा, तो घटाइए दो, 5 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 होगा और यहाँ 3 में से 2 गया 1 होगा, बाकी अगर ये घटाते तो 1 होगा और इधर 2x, एक्स ग्रेटर देन 1125/2, भागा देखे देखिए 5 दूनी 10 2, 1 और 2 5 6 12, ऐसा लग रहा है पूरा पूरी कट जाए, 5 6 12 और फिर 2 दूनी 4 8.5, मतलब यहाँ के हिसाब से ऐसा नज़र आया कि एक्स का मान इससे ज़्यादा, यानी कहो ना कि दूसरा केस अगर देखें तो पानी को 562.5 लीटर से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ज़्यादा मिलाया जाए, तो आप अपने दिमाग लगाइए, यहाँ के केस से आ रहा था कि 900 लीटर से कम और यहाँ आया 562.5 लीटर से ज़्यादा, यानी कि जो पानी मिलाना है वो हम बोलेंगे 562.5 लीटर से ज़्यादा, लेकिन लेकिन 900 लीटर से कम, यानी अगर आप ये कंसंट्रेशन चाहते हैं कि पानी मिलाने के बाद जो सांद्रण हो वो 25% से ज़्यादा ना हो, मतलब वो जो कंसंट्रेशन हो पानी मिलाने के बाद वो 25% से ज़्यादा हो, पर इसका जो भी हो इसके 25% से ज़्यादा है और 30% से कम है, हो सकता है शायद संदेह समझ में आया हो, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, तो हम यही वाला हिसाब NCERT से भी बताए थे, अगर वहाँ आप देखे होंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलती बता दिए, क्योंकि हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ये हो गया अम्ल, और अम्ल जो है अब 25% से ज़्यादा होगा, सही बात है 25% से ज़्यादा हो गया लेकिन 30 से कम, ठीक है चल रहा है, एक बार आंसर कंफर्म हो लेते हैं, कई बार होता है ना कि थोड़ा सा, हाँ ठीक है 562.5 लीटर से ज़्यादा लेकिन 900 लीटर से कम, आप नोट डाउन कीजिए हम टाइम देते हैं आपको। अरे यार माफ़ करना यार, नीचे वाला तो दिखा नहीं, आई एम सो सॉरी यार कि नीचे वाला आपका ये वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, जब बोले थे तो आप सुने होंगे, लिख लीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 5 में आते हैं, किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, चलो ये भी लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 5 ही ना होगा, हाँ 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, एक त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, 3 गुनी है तथा
त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, 61 सेंटीमीटर। कट भी गया होगा तो देखो, लिखते वक्त थोड़ा सा पता नहीं चलता है, बोर्ड है बहुत बड़ा, लिखते लिखते थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तो आप सुनकर नहीं कटा, चलो अच्छा बात है। एक त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, मान लो ने कि कोई त्रिभुज है, सपोज दैट इस तरह से ये त्रिभुज है, इसको सबसे बड़ी भुजा बोलेंगे, तो एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है। तो अगर सबसे छोटी भुजा को हम x मानते हैं तो सबसे बड़ी भुजा 3x मानना होगा, यही कह रहा है। त्रिभुज की तीसरी भुजा ये वाला जो है, सबसे बड़ी भुजा से, सबसे बड़ी भुजा यही है 3x, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो यही हो गया, यहाँ 3x हो गया और यहाँ पे जो भी हो गया तीनों लिख दिए। तीसरी भुजा यही वाला, देखो ये तो सबसे बड़ी भुजा, इधर वाला हो गया सबसे बड़ी भुजा, आई वाला हो गया सबसे छोटी भुजा, तो बाकी हिस्सा तो यही बच रहा है तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, देख लेंगे हम अगर पूछें कि परिमाप, तो खुद कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, मतलब 61 से बड़ा रहे तो चलेगा या बराबर रहे तब भी चलेगा। अगर परिमाप की फॉर्मूला पूछे तो कैसे लिखेंगे, तीनों जोड़ेंगे, जोड़ना शुरू करते हैं, 3x सबसे बड़ी, फिर छोटे वाला अगर देखें तो x, फिर तीसरी भुजा को अगर देखें तो कह सकते हैं 3x-2। इन तीनों को जोड़ने पे 61 से ज़्यादा हो या 61 के बराबर हो, 3x यहाँ 3x मतलब 6x, आई दोनों को जोड़ दिए तो 7x-2 > 61, तो 7x > 61 में 2 को जोड़ देते हैं तो 7x > 63। 7 से अगर काट दें तो x > 9, यानी कि x जो निकला है वो सबसे छोटी भुजा। हमको क्या करना है सबसे छोटी भुजा से, हमें तो चाहिए कि तीसरी भुजा, मतलब तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई अगर चाहिए, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बताइए तो 3, और कम से कम तो वही बात है कि आपको 9 रखना होगा, तो 9 -2, 3 × 27 में से अगर 2 घट गया तो 25, यानी न्यूनतम, तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई अगर बताना हो तो 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम तो तीसरी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगा, बाकी से मतलब नहीं है। देखो हम हट इसलिए जाते हैं जब आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सको, अब नहीं तो कम से कम एक नज़र। अरे यार गड़बड़ हो गया, ओ कहाँ गलती कर दी है यार, एक मिनट, एक कहाँ गलती हो गया हमसे, 3 3 6 6 6 7, ठीक है -2 उधर जाके ठीक तो चल रहा है, ऐसे कैसे होगा, नहीं नहीं ये जो 9 आ रहा है वही आंसर दे रहा है, गलत है क्वेश्चन। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, नहीं नहीं गलत है,
इंग्लिश में पढ़ते हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल थ्री टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. हिंदी में गलत है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई. क्वेश्चन गलती है हिंदी में, माफ़ करना. अगर इंग्लिश में देखेंगे तो कह रहा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, से आपको दिखाई दे मार्कर कहाँ से, हाँ फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड कह रहा है. इंग्लिश में ऐसे दिए हुए, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ये पूछ रहा है, मतलब सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई. तो यहाँ तक बेकार में हम पहुँचे, तब तो यही है सबसे छोटी भुजा, एक से ही तो है. तो सबसे, इंग्लिश में सही है, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई 9 सेंटीमीटर. इसमें मेरी गलती नहीं, हिंदी में गलती था, इंग्लिश में सही था, तो इंग्लिश के हिसाब से सही आंसर आया. तो आज 3, 4, 5, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ इसी एक्सरसाइज के साथ में अगले क्वेश्चन का. तब तक के पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखिए. जय हिंद दोस्तों.